नमस्कार सभी पशुपालक भाइयों को मनीष तरड़ की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। स्वागत करता हूं आपका। और जो पशुपालक भाई आज हमारी इस वीडियो को पहली बार देख पा रहे हैं वो आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, पास लगे बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। आज की जो ये वीडियो कवर करने के लिए पहुँचे हैं बजाज डेयरी फार्म पर, आगे की जो जानकारी है वो लेंगे विक्की भाई के साथ। आज की वीडियो में तीनों ही बुरी भैंसे आज की वीडियो में दिखाएंगे, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी, बजाज डेयरी फार्म में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। सबसे पहले अपना नाम और यहाँ का एड्रेस बताएं। नाम है जी मेरा विक्की बजाज, एड्रेस है राजस्थान में जिला श्री गंगानगर, तहसील रायसिंह नगर, गंगानगर से 75 किलोमीटर की दूरी पे। गूगल मैप पे बजाज डेयरी फार्म सर्च करोगे तो डेयरी की लोकेशन भाई आपको मिल जाएगी। ठीक है, और आज की वीडियो में क्या लेकर आयो? आज की वीडियो में भाई तीन बुरी भैंसे हैं। ठीक है, एक और फिर एक आधा भाई नाराज होता है, तीनों ही हैं। ठीक है, तीनों ही राजी हो जाएंगे। 70,000 से लेके 1,10,000 तक। ठीक है, बाय द वे बहुत कम होता है ऐसा। हाँ जी, बुरी भैंस कम मिलती है। हाँ, पर ये जो महीना ऐसा रहा है कि मेरे को लगता है बुरी भैंसों का एकदम से सारों का ब्याह तो लिया, 20 भैंसे आ गई होंगी इसे एक महीने में। ठीक है ठीक है, और एक साथ मैंने कभी है जो इस प्रकार की तीन बुरी भैंसों की वीडियो नहीं बनाई। बुरी नीली रावी, एक भैंस तो भैंस तो वैसे खैर सारी बहुत अच्छी हैं। हाँ जी, दो भैंस ऐसी हैं जो देखी हुई हैं और बहुत ही लाजवाब है, एक तोहफा ही है। ठीक है, और मोबाइल नंबर अपने 9460120802, 9460120802। स्टार्टिंग प्राइस रहेगा अपने पास 70,000 रुपए, घर पहुंच तक का रेट, हाईएस्ट प्राइस 1,10,000। ठीक है, और बार्गेनिंग कोई नहीं होगी, सभी बीआई हुई है क्या? भी नहीं, ये तीनों ही ज्ञापन है। ठीक है, सबसे पहले नंबर पर जो ये झोटी दिखा रहे हो काफी बड़े साइज की, काफी खूबसूरत झोटी, इसके बारे में बताएं डिटेल से। दूसरी बार बच्चा देगी जी। ठीक है, सेकंड टाइमर है। हाइट लेंथ है, वो कहने की जरूरत नहीं है, साफ ही दिखाई दे रही है, बहुत बड़े साइज की है। पीठ क्वालिटी बहुत बड़ी है, और सबसे जो अच्छी चीज इसकी, हाँ जी अक्सर हर एक वीडियो में बताता हूँ, जो भैंसों भैंस कोई भी है थनों पे डिपेंड करती है। बिल्कुल, थनों का साइज बहुत ही मजेदार है जी, लाजवाब है, पूरा मुट्ठी का थन है, ना छोटा ना बड़ा। बात ऑर्डर की आती है तो ऑर्डर भाई एक जर्सी गाय में होता है ना गुलाबी ऑर्डर, हाँ जी उस तरह का ऑर्डर है भाई। अभी बाकी तैयारी पे आएगी तो उस समय देखना कि और भी शानदार बन जाएगी, टॉप क्वालिटी ऑर्डर है। अभी भी कितने दिन का समय आपके अनुसार ये ले जाएगी ब्याने में? 6 दिन बाकी बताए हैं आज। ठीक है, अब देखो ये दिन पूरे होने पे ब्याती है, ये पहले ब्याती है, वो मौके की बात है, ठीक है ऊपर भी ले जाए। सींग देखिए, बिल्कुल छोटा सींग है और कन्नीदार है, हाइट लेंथ काफी अच्छी, बड़ी हाइट की ये झोटी है, बहुत ही अच्छी मजेदार झोटी है भाई। और दूध की रिपोर्ट कितनी गई इसकी? दूध भाई सही, ओरिजिनल दूध इसका 15 लीटर था पहले ब्यांत में। ठीक है, अभी दूसरी बार बच्चा देगी। ठीक है, इसका मदर मिल्क रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है, 19-20 किलो दूध इसकी माँ ने दिया, और मेरे ख्याल में आ जाएगी 5-7 दिनों में, वो भी लेंगे भाई अपने, वो भी दोबारा अभी ब्याने वाली है। और ये कितना दे देगी लगभग आपके हिसाब से दूध? भाई अपने हिसाब से ये ठंडा देगी भाई 17-18 किलो दूध, बाकी देखो मौके पे पता लगता है पशु को, जब बढ़िया जर वगैरह घेर ले, बढ़िया खाने लग जाए। हाँ जी सही है। और इसका रेट क्या कर रहे हो? रेट जी इसका हाना का दाम रहेगा 1,10,000। ठीक है, 1,10,000 रुपए की, 800 किलोमीटर तक ट्रांसपोर्ट की सुविधा फ्री है। छोटी है, छोटी नहीं है, ये नहीं है कि साइज छोटा है, हाइट लेंथ वेट सींग ऑर्डर थन हर एक एंगल से परफेक्ट है। कहने का मतलब है कि टॉप क्वालिटी की झोटी है ये। और इससे आगे दूसरे नंबर पर एक और भूरी दिखा रहे हो, इसके बारे में बताएं। ये थर्ड टाइमर है जी। ठीक है, तीसरी बार बच्चा देगी, ये भी ब्याने वाली है, ये भी ब्याने वाली है। जो भी है सिलेक्टेड से पशु है, ज्यादा ऐसे कचरा इकट्ठा नहीं किया है। ऑर्डर देख सकते हो बहुत ही अच्छा और लंबा ऑर्डर, ये नहीं है कि ऑर्डर भी बिल्कुल छोटा है, पीछे की तरफ देखिए पूरा फुल बड़ा, आगे से पीछे तक का लंबा ऑर्डर देखने को मिलेगा। थनों का साइज देख पा रहे हो, बहुत ही कम भैंसों में मिलता है इस तरह का थन, बिल्कुल पूरे मुट्ठी वाले, काफी अक्सर होता क्या नॉर्मल भैंसों में ऑर्डर पीछे होता है, इतना ऑर्डर होगा पूरा लंबा ऑर्डर है, जो कि एक दूध वाली भैंस में होना चाहिए। बिल्कुल, और ये दूध कितना दे देंगे भाई? तीसरी बार बताइए। हाँ जी, अब ये तीसरे चौथे उस चीज का मैं श्योरली नहीं कह सकता। हाँ जी, पर दूध इसने पिछले ब्यांत में 18 किलो दूध दिया हुआ भाई। ठीक है, 18 लीटर दिया हुआ है पिछले पूरे दिन का दूध दिया हुआ है 18 लीटर। आज इसके भी मालिक ने हमें दिन पूरे बताए थे इसके,
पता नहीं 7 को या 8 दिसंबर को, ऐसा कुछ 8 दिसंबर को, हाँ ठीक है 8 दिसंबर को दिन पूरे बताए थे। ये भी नीली रावी और भूरी, भूरी नीली रावी, ये सभी भैंसे हैं जो बहुत ज्यादा अच्छी भैंस है भाई, रोज रोज नहीं आती है इस तरह की भैंसे। और कीमत इसकी? कीमत इसकी जी 95,000 रुपए घर पहुंचता का रेट, 95,000 विद लोडिंग चार्ज। आज की जो वीडियो बनाने की तारीख बता दूं 4 दिसंबर 2022 की है, क्योंकि होता क्या है वीडियो अभी ये आज बना रहे हैं, हाँ कई भाई 2-2 महीने बाद फोन करेंगे, ठीक है ठीक, तब तक ये रुकेंगी नहीं। ये वीडियो 5 दिसंबर को लगेगी, वो डेट आप माने? हाँ जी 4 दिसंबर को बन रही है अपलोड, 5 को। ठीक है, जो थनों का साइज है आगे से आपको दिखाना चाहेंगे, गैप काफी अच्छा है थनों में, साफ सुथरी है, 95,000 रुपए प्राइस है। और इससे आगे जो ये भूरी जोटी दिखा रहे हो, ये कौन से ब्यांत की है? ये भाई पहले ब्यांत मान के खरीदी थी, ठीक है, जब चढ़ाने गए किसान से पूछे ही नहीं था भाई, सही बताऊं तो हमने पहले ही मानी थी, ठीक है, पर जब लोड करने गए तो किसान ने बताया कि भाई दूसरी बार बच्चा देगी, ठीक है, पहले ने दूध दिया हुआ 10 किलो पूरे दिन का, यानी कि 5 किलो एक टाइम का, हाँ जी जितना दिया है उतना ही बता रहे हैं, सही उतना ही हमें किसान ने बताया, नहीं तो ऐसे नहीं है आजकल क्या पैलन 13-14 किलो से कम किसी की देती नहीं है, सही है, पैलन के 10 किलो दूध बताया था, अभी 12-13 किलो की खुली उम्मीद है कि इतना दूध ये जोटी निकाल देगी, ठीक है 12 से 13 लीटर दे देगी, हाँ जी। हाइट अच्छी है, हाइट छोटी नहीं है, पतली जरूर है थोड़ी, हाँ जी, वजन इतना ज्यादा नहीं है, सिंगों की क्वालिटी परफेक्ट है भाई, बिल्कुल छोटा सिंग है जैसे कोई फर्स्ट टाइमर जोटी या कटिया में हो, ठीक है। और कीमत क्या कर रहे हो इसकी? कीमत जी इसकी 70,000 रुपए, 70,000 घर पहुंच तक का रेट, ठीक है 70,000 की घर पहुंच हो जाएगी, हाँ कितने दिन का समय बाकी अभी? तारीख नहीं नोट भाई इसकी, ठीक है, वो गांव में उनके कोई पंचायती बोल था उसी से ही हुई, तो तारीख वगैरह नहीं पता, अंदाजा है देखो ले जे 10 दिन ले जे 8 ले जे, ठीक है। और बाकी आज की हमारी वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो देखने के लिए सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।